कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और नए एपिसोड पे। तो यार आज मैं करने वाला हूँ माइंडलेस ग्राइंडिंग। और इससे पहले कि तुम वीडियो छोड़कर जाओ, माइंडलेस ग्राइंडिंग से मेरा ये मतलब नहीं कि बिना कुछ सोचे समझे मैं ग्राइंड करने वाला हूँ। कुछ टारगेट्स रहेंगे। पहले तो स्मृति से बात करते हैं। स्मृति बोलता है, फाइवर, लेट मी हैव अ लुक एट दैट। यू फाउंड दिस इन द गाइडिंग लाइंस। दिस थिंग समथिंग एल्स। Might even let me keep upgrading a weapon that's been maxed out. Could work for armor too. I'd be more than happy to try it out for you. What do you say? Wanna give it a go? My hammer's raring to go. What'll it be? तो यार गाइडिंग लैंड से जो मटेरियल्स मिले उससे भी वेपन और आर्मर और अपग्रेड हो सकते हैं। लेकिन इस बार अपग्रेड तो ओहो ज़ोरा मैगडरोस के भी कुछ नई चीज़ें मिले। खैर अपग्रेड तो कुछ नहीं करना है, एक वेपन चाहिए मेरे को जो है फायर वेपन, कोई भी आग वाली तलवार मुझे चाहिए। और सबसे क्लोज जो है वो है ग्लेविनस। एंजनाथ भी क्लोज है लेकिन एंजनाथ लूँगा नहीं मैं, क्योंकि देख ही सकते हो यार डैमेज 1296 है, मतलब 1300 के आसपास है, लेकिन शार्पनेस ब्लू है और अफिनिटी नेगेटिव 30% है। फायर डैमेज भले ही काफ़ी ज़्यादा हो तो नहीं, ये नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ग्लेविनस की तलवार। ग्लेविनस कहाँ पर है? एलिमेंट से ही सॉर्ट आउट कर लेता हूँ मैं। ये देख सकते हो यहाँ पे, नहीं ये तो रैथलॉस है। ये है ग्लेविनस, 1200 डैमेज है भले ही, लेकिन फायर डैमेज अपने को 450 मिल रहा है और दो स्लॉट्स मिल रहे हैं मुझे वहाँ पे। रैथलॉस का भी अच्छा खासा है, 1152 है, 20% एफिनिटी है, 330 डैमेज है, बट ग्लेविनस का थोड़ा बेहतरीन लग रहा है तो मैं उसी के साथ जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए ग्रेट गिरोज फैंक्स प्लस ओमनी प्लेगिया सैक, मतलब कुछ 4-5 ग्रेट गिरोज को ही हंट करना पड़ेगा। तो वही करते हैं, मास्टर रैंक ग्रेट गिरोज से शुरू करूँगा और जैसे जैसे ये चीज़ फार्म हो जाए मैं चल दूंगा गाइडिंग लैंड्स पे, क्योंकि गाइडिंग लैंड्स बेसिकली ग्राइंडिंग लैंड्स है तो उसको मिस नहीं कर सकते। हाई रैंक ऑप्शनल और होपफुली इसमें गिरोज, देख सकते हो यहाँ पर गिरोज है और देखते हैं। ठीक है गिरोज तो है, चलो उसी को ही पेल के आते। रॉटन वेल पे है। एक और चीज़ भी मैं कर सकता हूँ, इवेंट्स क्वेस्ट में जा सकता हूँ और यहाँ पर ढूंढ सकता हूँ गिरोज का कोई क्वेस्ट है कि नहीं। अगर गिरोज का होगा तो उसके साथ मल्टीपल और 2-3 मॉन्स्टर्स भी होंगे, पर अगर हाई रैंक के हैं तो उनको मारना बहुत इजी होएगा तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। ये देख सकते हो यहाँ पर ट्रिपल थ्रेड थ्रो डाउन, सबसे ख़त्म मॉन्स्टर्स हैं यहाँ पर। जैगराज है, गिरोज है, डोडोगामा है, तो चलो यार इसी को लेके चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रोटेन व्हील पे जा करके आधा टाइम मैं गिरोज को ढूंढने में लगाऊं और जैसे ही वो कमज़ोर हो उसके पीछे भागने में आधा टाइम लगाऊं। तो यहीं पे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या फार्म कर सकते हैं इधर पे। और इस क्वेस्ट के लिए मुझे नहीं लगता मैं मील वगैरह भी करने वाला हूँ, क्योंकि आई मीन हाई रैंक क्वेस्ट है यार, क्या ही मील करना है इसके लिए। ओके चलो चल लेते हैं। ये भी हो सकता है कि मैं सिर्फ गिरोज को ही मार के निकल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट अगर आ ही गए हैं तो बाकियों को भी मारने में किस बात की परेशानी। वो देख सकते हो गिरोज खड़ा है अपने चेलों के साथ। सबसे पहले तो मैं इसको वॉल बैन लूँगा, जैसे वॉल बैंक का जैगराज भी वहीं पर ख़त्म नहीं अटक जाएगा। ओहो डोडोगामा भी आ चुका है, डोडोगामा को छोड़ो, यहाँ पर अपने को कुछ ग्रेट हीरोज मटेरियल मिला हुआ है, वाइवन टीयर है, कुछ खास चीज़ नहीं है। और साइड कॉम्बो, अरे बाप रे इसको आते हुए देखा नहीं मैंने, खैर कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया फोर साइड था, बिना देखे लग गया।
ग्रेट हीरोज मटेरियल और बढ़िया ग्रेट हीरोज फैंग प्लस मिल चुका है। तो यही नाम है इसलिए ट्रिपल थ्रेड थ्रोडाउन। बाप रे हंट अजीब है लेकिन मजेदार है, ऐसा लग रहा है कार्टून की फाइटिंग चल रही है यहाँ पे। दोनों को ही उसने पैरालाइज कर दिया और मेरे को भी पैरालाइज कर दिया। इधर जल्दी आ माकड़ बिल्ले, धन्यवाद। करे कोई भरे कोई कैसी उधम है ये। चलो इसको एक लगा देते थे। अरे यार बहुत ही बढ़िया मौका था। डोडोगामा बहुत बुरा किया तूने। जागरा खत्म, खत्म नहीं हुआ। तो देख सकते हो यार ब्लाइट चढ़ चुका है मेरे पे और ब्लाइट से बचने के लिए 3 बार रोल कर लिया मैंने। ओके गिरोज अच्छे पोजीशन पे है और गिरोज खत्म है। गिरोज अगर खत्म है तो समय रहते ही मैं इसको लूट लूंगा। इन दोनों को लड़ ले दो तब तक। एक दो देखता हूं मेरे पास। ओह गिली मेंटल है मेरे पास, घबराने की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो गिरोज को लूट लूंगा मैं तब तक और गिली मेंटल मेरे को छुपा कर ही रखेगा। गिरोज लूट चुका है, बहुत सही। चाहो तो ये क्वेस्ट यहीं पर ही खत्म करके जा सकता हूं लेकिन उससे पूरा मजा नहीं आएगा। ढोड़ोगा मगी पूछ कर गई, खैर ढोड़ोगा मैं खत्म। नाइस हंड बुरा नहीं था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा और इनफैक्ट 3-3 मॉन्स्टर से एक साथ लड़ने को मौका मिला और हंट फनी था एटलीस्ट मेरे लिए। तो कार्टून जैसे कि एक धूल के अंदर लड़ाई कर रहे होते हैं उसी तरीके से ये तीनों भी लड़ रहे थे। डोडोगामा का टेल कट मिला मुझे इधर पे। इससे मेरे को याद आ रहा है मैंने कभी ग्रेट हीरोज का और जागरास का टेल कट नहीं किया। खैर देखते हैं अगली बार कभी अगर मौका मिलता है तो ट्राई करके देखूंगा मैं उसे। ओके लूट बुरी नहीं है, उम्मीद करता हूँ गिरोज वाला ग्रेट स्वॉर्ड बनाने के लिए काफ़ी होगा क्योंकि गिरोज वाला ग्रेट स्वॉर्ड ही क्या कहते हैं ग्लाविनस के ग्रेट स्वॉर्ड के पास सबसे ग्लाविनस ग्रेट स्वॉर्ड के अपग्रेड तक सबसे करीब का चेन है। तो चलते हैं स्मिथी के पास, देखते हैं गिरोज का कुछ मिला कि नहीं।
ओके फोर्ज वेपन्स ग्रेट सॉर्ड ग्रेट गीरोज और अरे बाप रे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें नहीं मिली यहाँ पर। ओमनी प्लेगिया सैक ये किससे मिलता है यार? ओमनी प्लेगिया सैक एक बार हंटर्स नोट पे जा कर के देखता हूँ। अगर ये ग्रेट गीरोज का सबसे सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं सबसे ज़्यादा रेयर मटेरियल है तो ग्रेट गीरोज को कैप्चर करना पड़ेगा। और देख ही सकते हो एडमिरल के पास स्पेशल असाइनमेंट है अपने लिए, बाद में देखते हो उसको, पहले चीफ इकोलॉजिस्ट के पास जाता हूँ। स्पेशल मॉन्स्टर फील्ड गाइड पे जाके देखते हैं। ग्रेट गीरोज लो रैंकिंग पर ही अभी तक है, पैरालिसिस सैक है इसके पास, तो और दो तीन मास्टर रैंक के ग्रेट गीरोज को मार गिराते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होता है। बाकी के मैं कुछ कमज़ोरियाँ देख लेता हूँ मॉन्स्टर की ताकि आगे मेरे को काम आए। तो राथियन की जो कमज़ोरी है वो है ड्रैगन एलिमेंट। ड्रैगन एलिमेंट का मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट आता है थंडर एलिमेंट, वो भी नहीं है मेरे पास। फिर आता है पैरालिसिस, पैरालिसिस अच्छा है। स्टन मेरे पास मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा एलिमेंट है। ठीक है राथियन, ग्रेट गीरोज का मैं देखता हूँ। ग्रेट गीरोज का है वाटर एलिमेंट, मुझे नहीं लगता वाटर एलिमेंट का कोई अच्छा स्वॉर्ड है मेरे पास। आइस और फायर जो है उसके मेरे पास है, आइस के लिए मेरे पास ग्रेट स्वॉर्ड है। लेगियाना के लिए तो फायर अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फायर जो है वो सेकेंड लेवल पे आता है, थंडर लेवल 3 पे आता है। खैर कोई दिक्कत नहीं। ब्लेजल गीस इसके पास तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं। टियोस्ट्रा के लिए देखता हूँ, टियोस्ट्रा के लिए आइस और वाटर बहुत सही। लुनास्ट्रा के भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, और ज़्यादा हंट करने पड़ेंगे इसको फिजियोलॉजी देखने के लिए। वेलहजाक का फायर एलिमेंट है और फायर एलिमेंट के लिए मेरे पास है इंसेक्ट ग्लेव, राइट। और देखते हैं और क्या, सीदिंग बेजल गीस उसके लिए आइस, आइस के लिए भी मेरे पास है। जिनोगर, जिनोगर से मैं अभी तक लड़ा नहीं हूँ। लास्ट टाइम क्या कहते हैं ग्राइंडिंग लैंड से मेरे को ये मिला, ग्राइंडिंग नहीं गाइडिंग लैंड से मेरे को ये मिला था। और है रुइनर नर्गस गाइगेंटस। खैर गीरोज, गीरोज एक काम करते हैं, थोड़ा सा ग्राइंडिंग लैंड्स में जा करके आते हैं। तो ग्राइंडिंग लैंड्स में जाने के दो तरीके हैं, या तो मैं खुद ही अकेले डिपार्ट कर सकता हूँ जो कि अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, या फिर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। इससे क्या होगा ना, मैं दूसरे लोगों को जो भी ग्राइंड कर रहे गाइडिंग लैंड्स में उनको ज्वाइन कर सकता हूँ। और किसी ने SOS फ्लेयर डाला ही नहीं, खैर कोई दिक्कत नहीं। गाइडिंग लैंड्स एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर जितना ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतरीन है। तो एक और चीज़ है गाइडिंग लैंड्स का लेवल बढ़ाना। आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें गाइडिंग लैंड्स का कोई भी लेवल बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बढ़ा सकते हैं। तो मैं बाय करूँगा यहाँ पर 2 पाउच, नहीं 2 बॉक्स, और मैं बाय करूँगा ट्रैप टूल्स, बहुत सारे ट्रैप टूल्स। एटलीस्ट 101, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया परचेज। अब उन ट्रैप टूल्स को यूज़ करने के लिए चाहिए मुझे थंडरबग्स, और थंडरबग्स मैं यहाँ पर क्राफ्ट करूँगा। तो सारे हार्वेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे, तो कल्टीवेट में जाऊँगा और थंडरबग्स देखता हूँ। थंडरबग्स है मेरे पास तो मैंड्रागोरा। एक काम करता हूँ, एक थंडरबग्स की पूरी भेड़ी लगा देता हूँ। तो ये हो गए थंडरबग्स। फर्टिलाइज ड्यूरेशन X4, ओके मेगा फर्टिलाइजर यूज़ करूँगा मैं। और सबसे पहले जा करके मैं और कुछ चीज़ें बनाऊँगा, क्राफ्टिंग लिस्ट में जाऊँगा, और दो तीन नए क्राफ्टेबल्स के बारे में मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये सब चीज़ें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन हो गया तो हो गया। चलो सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूँ फार कास्टर के बारे में। तो फार कास्टर बेसिकली क्या करता है ना, कि अगर बीच क्या कहते हैं बीच मिड ऑफ द हंट में हो तो क्या कर सकते हैं कि मिड हंट में ही भले ही अपना जो मिनी मैप है वो रेड कलर पे है,
तभी हम मतलब क्या करते हैं, तभी मैं कैंप तक जा सकता हूँ। तो मिड हंट में ही मैं हंट छोड़ के कैंप तक जा सकता हूँ, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो फार कास्टर के लिए मेरे पास स्मोक नट और एक्साइट श्रूम होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर 4 थंडर बग्स डाले थे मैंने, तो उनमें से एक में मैं स्मोक नट डालूंगा और दूसरे में एक्साइट श्रूम। ओके, एक्साइट श्रूम नहीं है मेरे पास। हाँ, खैर कोई दिक्कत नहीं, भाग के चल लेंगे। ओके, स्मोक नट डाल दिया है मैंने, तो चलते हैं ग्राइंडिंग लैंड्स पे। फिर से एक बार ज्वाइन करके देखूंगा अगर कोई होगा ऑलरेडी। कोई नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं, खुद ही चलेंगे, खुद ही ग्राइंड करेंगे। तो सबसे पहला मेरा जो इरादा है वो मुझे वो है कि मैं कोरल हाइलैंड्स का लेवल बढ़ा सकूं, क्योंकि कोरल हाइलैंड्स के लेवल बढ़ाने से कुछ ऐसे लूट वगैरह है जो वेपन्स को अपग्रेड करने में हेल्प करेंगे, और बहुत ही रेयर लूट है वो सब। एंशिएंट फॉरेस्ट, कोरल हाइलैंड्स, और क्या तो भी, और देखते हैं बाकी का देखा जाएगा। पहले एंशिएंट फॉरेस्ट और कोरल हाइलैंड को अपग्रेड मारेंगे। जैसा कि देख ही सकते हो, काफ़ी बड़ा लोडिंग टाइम है, क्योंकि गाइडिंग लैंड बहुत बड़ा मैप है। इनफैक्ट मॉन्स्टर हंटर का सबसे बड़ा मैप है। ओके, तो पहुंच चुका हूँ ग्राइंडिंग लैंड्स पे। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं मील कर लूँगा। परफेक्ट। और मैं कुछ चीज़ें चेंज करना चाहूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरे शॉर्टकट कीज़ है। तो मैं चाहूँगा मेरे लेफ़्ट कम्युनिकेशन पे, या फिर एमओ एंड कोटिंग्स तो मुझे चाहिए नहीं, तो मेरे राइट वाले बार पे मैं चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं ट्रैप्स वगैरह क्राफ्ट कर सकूँ। तो उसको करने का तरीका यह है कि मैं जाऊँगा यहाँ पे कस्टमाइज रेडियल मेन्यू पे, क्वेस्ट सेटिंग्स पे, और यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और देखूँगा यहाँ पर ट्रैप्स अवेलेबल है कि नहीं। ट्रैप्स ये रहे ट्रैप्स, तो ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट। ओके, चेंज इक्विपमेंट में जाऊँगा, नहीं चेंज इक्विपमेंट नहीं, आइटम बॉक्स पे जाऊँगा, और सबसे पहले तो थोड़े से ट्रैप टूल्स उठा लूँगा यहाँ से, और थंडर बॉक्स मेरे पास ऑलरेडी है, राइट। अच्छा हाँ, एक और चीज़, मैं अपने साथ एक ट्रैप टूल कैरी कर सकता हूँ। तो आइटम बॉक्स में फिर से जाऊँगा, क्राफ्टिंग लिस्ट में जाऊँगा, और काफ़ी सारे थंडर बग्स है, तो कुछ ट्रैप्स वगैरह तो पहले ही क्राफ्ट कर लूँगा। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ट्रैप्स रख दूँगा, राइट। तो तरीका ये है कि मॉन्स्टर को मारना नहीं है, मॉन्स्टर को सिर्फ ट्रैप करना है और छोड़ देना है, फिर ट्रैप करना है, फिर छोड़ देना है, राइट। तो इससे क्या होगा ना, भले ही मैं मॉन्स्टर को मार नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा ग्राइंड का जो लेवल है, मेरा जो क्या कहते हैं, अरीना का जो लेवल है, या फिर बायोम का जो लेवल है, वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो शुरुआत करनी चाहिए मुझे यहाँ से, और मैं शुरुआत करूँगा इनको मारकर। सैमो शार्ट्स ही है इसके पास, और कुछ है नहीं। खैर इग्नोर करते हैं इनको, और देखता हूँ यहाँ पर कुछ नया स्पॉन हुआ है कि नहीं। नया स्पॉन से मतलब कुछ भी, क्रिस्टल्स वगैरह या फिर कुछ और हो तो। क्रिस्टल्स, बोन्स गाइडिंग लैंड्स में जो है वो एक्सक्लूसिव होते हैं गाइडिंग लैंड्स के, वो क्रिस्टल्स बोन्स वगैरह हमें कहीं पर भी नहीं मिलते। तो यहाँ पर जब भी क्रिस्टल्स बोन्स कुछ भी कलेक्टेबल मिले,
तो उसको हमेशा ऐसा कलेक्ट करना चाहिए जैसे पहली बार कोई चीज़ कलेक्ट कर रहे हो। और ढूंढते हैं क्रिस्टल, नहीं स्टोन्स, ओके नलबेरी जाने दो, बोन पाइल यहाँ पर मिल गया है मुझे। और ये होता है कि गाइडिंग लैंड्स में लगातार कहीं कहीं पर अगर मैं बोन्स वगैरह क्रिस्टल्स वगैरह कलेक्ट करता रहूँगा और गाइडिंग लैंड्स का लेवल उसी तरीके से अपग्रेड होता रहेगा, किसी भी बायोम का लेवल उसी तरीके से अपग्रेड होता रहेगा, तो एक टाइम बाद बोन्स वगैरह मुझे स्पेशल मटेरियल्स देना शुरू कर देते हैं, यानी कि अलग तरीके का बोन मिले। अरे बोन पाइल फिर से कहाँ, यही चीज़ यहाँ पर बड़ी मज़ेदार लगती कि दिखती नहीं है आधी चीज़ कौन सा बोन पाइल कहाँ पर है, बड़ा ही खतरनाक कैमोफ्लोज है यहाँ पे। ओके ये हो गया, देख सकते हो यार फर्स्ट वाइवेरियन है यहाँ पे। बात कर लेते हैं, मोस्ट हंटर चूज टू यूज़ द लॉन्ग सोर्ड, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। हंटिंग हॉर्न बहुत कम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने एकदम शुरू के एपिसोड में बताया था, और हंटिंग हॉर्न्स मैं नए क्राफ्ट करने वाला हूँ, मैं बताऊँगा कैसे लेकिन अभी नहीं। योर वेपन रैंक्स नंबर वन इन पॉपुलैरिटी, सही है, यू कैन हैव दिस। क्या देने वाला है, हार्ड शेल पाउडर, ओके तो हार्ड शेल पाउडर मिल रहा है मुझे। हॉट ड्रिंक्स को अभी फिलहाल के लिए जाने देता हूँ। हार्ड शेल पाउडर बेसिकली क्या करता है ना, अपने आर्मर का स्किल जो है, मतलब अपना जो नेचुरल डिफेंस है उसको बढ़ा देता है। ओके लगता है यहाँ पर और कुछ देखने के लिए है नहीं, क्या है, साइंस ऑफ अ टर्फ वॉर, इसी की तो तलाश थी। यहाँ पर देख सकते हो नई मछलियाँ भी है, तो मछली पकड़ने के दो तरीके हैं, पहला तो जाल से पकड़ो और दूसरा है फिशिंग रॉड से। तो चलो डालते हैं यहाँ पर चारा मछली के पास, देखते हैं मछली फंसती है कि नहीं। ओहो आ रहे हैं, नाइस, पकड़ पकड़ अच्छे से, बढ़िया, गोल्डन फिश मिला है अपने को, नाइस। एक और बार चारा डाल के देखते हैं, काफ़ी छोटी मछली है, उम्मीद है फंस जाए, और फंस चुकी है। चबा, ओके किस्मत अच्छी नहीं थी, नाइस पकड़ लिया इसको, सुशी फिश अपने को मिल चुका है। एक और बार फिर से ट्राई करते हैं, अरे क्या हुआ, किस्मत की बात है, अगर थोड़ा सा मैं बेट को हिलाऊं तो मछलियाँ भाग भी सकती है या फिर मछलियाँ पास में भी आ सकती है। ये देखो जैसे कि यहाँ पर मच्छी पास आ रही है, मेरे बंगाली ऑडियंस को ये गेम प्ले बहुत पसंद आएगा। प्लैटिनम फिश मिला है मुझे, नाइस, प्लैटिनम स्केल, ओके तो चलो यार इसको बंद करते हैं, फिशिंग का मिनी गेम बहुत हो गया, और चलते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स को हराने। और अभी मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल के लिए एटलीस्ट मैं पूके को मारूँ, क्योंकि पूके जिस रीजन में यूजुअली रहता है उसका लेवल बढ़ाने से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल सकती है अपने को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पूके को मारता हूँ, चांसेस है कि क्या कहते हैं, चांसेस है कि एंशिएंट फॉरेस्ट का जो इलाका है उसका लेवल बढ़ जाए। ओके पूके को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अभी होपफुली इसी बायो में इर्द गिर्द कहीं पर तो हो।
कभी कभी यूजुअली ऐसा रहता है कि भले ही थोड़ा टाइम लग जाते हैं मॉन्स्टर ढूंढने में और मिलते नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ मॉन्स्टर के डबल बायोम्स होते हैं। जैसे पुके पुके जो है वो एंशिएंट फॉरेस्ट में भी रह सकता है, और ओहो बोन पाइल यहाँ पर कहीं तो भी है, ये रहा, एंशिएंट फॉरेस्ट में भी रह सकता है और वाइल्ड स्पायर वेस्ट में भी रह सकता है। यहाँ पर देखते हैं और कुछ मुझे मिलता है कि नहीं। वहाँ मेरे को एक और बोन पाइल दिख रहा है शायद से, हाँ बोन पाइल ही था। ये थोड़ा सा कैमोफ्लॉज नहीं था इसलिए दूर से दिख गया। इनसे नफरत है मुझे, बस बढ़िया। ओके बोन पाइल भी कलेक्ट हो चुका है, और वहाँ पर एक और बोन पाइल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, यस बोन पाइल है ये, और मैं इसको कलेक्ट नहीं कर पा रहा, इसका मतलब बोन पाइल नहीं है ये। वेल यही है गाइडिंग लैंड्स यार, कुछ कुछ बोन पाइल्स एक्टिवेटेड रहते हैं, कुछ कुछ नहीं रहते, कौन सा कब एक्टिवेट हो जाए कुछ समझ नहीं आता। ओके यहाँ पर कुछ अच्छा है, यहाँ पर कुछ मज़ेदार हो सकता है। एडमेंट सीड मैं तुम्हें बता दूँ, थोड़ा नेचुरल डिफेंस बढ़ा देता है। मैंड्रागोरा यहाँ पर तो कितनी सारी हड्डियाँ, लेकिन बोन कलेक्टिंग का कोई आइटम ही नहीं है, खैर जाने देते। आगे कुछ तो भी है, ओह हेल्पिंग बिल्ला, नाइस। ये बिल्ला नहीं, ये बिल्ली है, बहुत सही। सर जैसे जैसे पैलिकोज वगैरह, या फिर जैसे जैसे बिल्ले लेवल्स पे मैं कलेक्ट करता हूँ, वैसे वैसे मुझे ट्रेल राइडर्स वगैरह मिलते रहते हैं। ट्रेल राइडर यानी कि जैसे कि मैंने कुछ एपिसोड्स पहले बताए थे कि पैसिव हंटिंग करवा सकते हैं उनसे। एक्साइट श्रूम यहाँ पर देख सकते हो, एक्साइट श्रूम मिल चुका है मुझे, और इसको मैं रिप्लेस किससे करूँगा? अभी के लिए तो मुझे लगता है मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ एंटीडोट से। एक और बोन पाइल मिला, अरे बाप रे काफ़ी जल्दी रिचार्ज हो गया ये वाला बोन पाइल। इनसे नफरत है मेरे को। रियल लाइफ की तरह ही इस गेम में भी मच्छर जो है बहुत ही अनोइंग से ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। होपफुली यहाँ पर मुझे कुछ पुके पुके नहीं दिखेगा, और अगर नहीं दिखेगा यहाँ पे तो समझ ही सकते हो पुके पुके कहाँ पर हो सकता है। ओह यहाँ पर एक और बोन पाइल है, देख सकते हो, देख रहे हो ना कि बोन पाइल का जो साइज है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। इसका ये मतलब है कि एंशिएंट फॉरेस्ट का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो वहाँ है पुके पुके, और पुके पुके अभी जा रहा है कहाँ पे, लोकेशन पे जा रहा है, ओके यहाँ पर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको ट्रैप करने की कोशिश करूँगा, और क्योंकि अभी मेरे पास फायर कास्टर वगैरह नहीं है, मैं इसको सिर्फ ट्रैप करूँगा। और जैसा कि देखो एक बार ट्रैप कर लिया, अब मैं ट्रैप पे जाऊँगा। अरे यार ट्रैप क्राफ्ट नहीं कर सकता मैं अभी, खैर कोई दिक्कत नहीं। रेडियल मेन्यू पे क्राफ्टिंग के लिए भी मैं लगा सकता हूँ, तो उसको बाद में कस्टमाइज करते हैं, पहले पुके पुके को ख़त्म करते हैं।
पहले ही बहुत अच्छी खासी सवारी मिल चुकी है इसके ऊपर मुझे। यूजली गाइडिंग लैंड्स में जो मॉन्स्टर मिलते हैं वो नॉर्मल मॉन्स्टर से थोड़े से ज़्यादा ताकतवर होते हैं, यानी कि उनका हेल्थ पूल थोड़ा सा ज़्यादा होता है उनसे। एक्सट्रीम लेवल पे तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दुगना तिगुना नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। और ये हो चुका है लेवल 2 स्पिरिट ब्लेड चार्ज। एक और बार बैरोड भी आ चुका है, बहुत सही। तो यार देख ही सकते हो यहाँ पर कुकिप के कुछ मटेरियल्स को गिरा रहा है, और ये है रेयर पुकी पुकी मटेरियल्स, मैं तुमको बता दूं। एक और बार ओके, थका चुका हूं मैं इसे। तो फ्रैग्नेंट पॉइजन बहुत थूक चढ़ गया अभी जबान पे। फ्रैगनेंट पॉइजन शार्क, तो ये एक नया तरह का पॉइजन शार्क है। ओके मैं चाहूँ तो फूके फूके को इससे टकरा सकता हूँ। अरे यार गिरा दिया मैंने इसे, बहुत कम टाइम है, एक हेल्म ब्रेकर तो डाल ही सकता हूं। नाइस, बहुत सही। बुके बुके मटेरियल, तो अगर तुम्हें समझ नहीं आया वो क्या हुआ, मैंने पैरोट के चार्ज से लाई स्पिरिट स्लैश मारा और फिर मैंने फूके फूके को हेल्प ब्रेकर से मारा। एक और ड्रॉप मिला है मुझे यहाँ पे, तो जल्दी से मैं इसको उठा लूंगा। अरे क्यों भाई बैरोड रुक जा, वेल 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 दोनों अपने अलग अलग रास्ते पे, लेकिन पुके पुके का पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। ओह वो मिस हो गया मेरे से, और साइड शाइनी कलेक्ट कर लेता हूँ मैं जल्दी से। बहुत सही मिल रहे, बहुत सही। कॉम्बो कंप्लीट। अरे यार तीन तीन शाइनीज है यहाँ पे, और तीनों की तीनों फ्रैगमेंट पॉइजन शैक, बहुत सही। पूंछ काट दूं, नाइस। फोर साइड रह गया, दोनों बिल्ले एक साथ मेरे को हील कर रहे, और मैं लगा हूं फूके फूके की पूंछ कलेक्ट करने में। बहुत सही, अरे यार छोटी पूंछ से भी, बहुत सही। बढ़िया शॉट,
मुझे लगा था मिस हो जाएगा जैसे ही वो हवा में उड़ा। नहीं लगा, खैर कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से कोशिश। ओ बहुत सही यार, दो दो बिल्लियाँ हैं मेरे पास, एक बिल्ला एक बिल्ली, और दोनों के दोनों लगातार इसको पैरालाइज करने में लगे हुए हैं, और ऊपर से मेरे पास भी पैरालिसिस का ही वेपन है। शाइनीज को कलेक्ट कर लेता हूँ मैं। हेल्म ब्रेकर, फिर से बहुत सही, फोर साइड, हाँ ये रह गया। एक और बार, ओहो बहुत ही सही डॉज था वो, लेकिन किस्मत अच्छी नहीं थी। फोर साइड, तो यार देख ही सकते हो कितनी बार स्टन कर चुका हूँ मैं इसको, लेकिन फिर भी मर नहीं रहा ये। गलत टाइम पे मैंने क्या कहते हैं हेल्म ब्रेकर दे दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, भर लूँगा फिर से। सही टाइम पे था वो। अब दोनों में से एक भी बिल्ला मुझे हिल नहीं कर रहा। फिर से गलत टाइम पे था। ओहो थैंक्स बिल्लो। कोई दिक्कत नहीं, तलवार की धार कम हो चुकी है, एक बार ब्लेड घिस देता हूँ बस ख़त्म। ओके पुके पुके ख़त्म, काफ़ी लंबी फाइट थी, यूजुअली मास्टर रैंक के पुके पुके को भी मारने में इतना टाइम नहीं लगता, बट ठीक है यही है यार ग्राइंडिंग लैंड। बर्ड वाइवर्न स्पेशल ट्रैक्स, वैसे मैंने बर्ड वाइवर्न स्पेशल ट्रैक्स ढूंढे नहीं, लेकिन पुके पुके को मारने के बाद वो मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कलेक्शन है, कलेक्शन नहीं मतलब जो लूटेबल आइटम्स है उसका और इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन वैसे होता नहीं है। देख सकते हो बैनबेरो भी है यहाँ पे, और उम्मीद कर रहा हूँ कि बैनबेरो जो है वो कोरल हाईलैंड की तरफ हो, क्योंकि अगर वो उस तरफ हो तो मैं कोरल हाईलैंड का जो लेवल है वो मैं बढ़ा सकता हूँ। कोरल हाईलैंड में शायद नहीं है, और जितना मुझे लग रहा है वो आया है कहीं से, तो भी होरोफ्रॉस्ट रीच वाले मैप की तरफ से। तो मैं तुम्हें बता दूँ, अगर बर्फ़ वाला मैप अभी तक देखा नहीं हो, अभी दिखा देता हूँ यहाँ पे। बर्फ़ वाला मैप यहीं कहीं होना चाहिए शायद। बर्फ़ वाला मैप मैंने अभी तक खोला नहीं है, और यही रीज़न है मुझे बर्फ़ वाला मैप दिख नहीं रहा, बट खैर कोई दिक्कत नहीं, बैनबेरो आ ही गया है।
और हाँ एक चीज़ मैं कर देता हूँ यहाँ पे, कस्टमाइज रेडियल मेन्यू पे जा करके ये जो है शॉक ट्रैप प्लेस करने का नहीं, मुझे क्राफ्ट करने के लिए चाहिए। तो क्राफ्टिंग में जाऊँगा मैं और यहाँ पर कर दूंगा मैं शॉक ट्रैप, ये मिल गया। तो अभी शॉक ट्रैप मैं सिर्फ क्राफ्ट कर सकता हूँ, और शॉक ट्रैप एक बार क्राफ्ट कर लिया मैंने तो मैं शॉक ट्रैप को यहाँ से फिर यूज़ कर सकता हूँ। ओके अब क्या करना है, बैन ब्रो के पास जाते हैं एक बार। बैन ब्रो नाइस। ओके यहाँ पर कुछ नया है और मुझे देखकर लगता है कि हाँ कैंप साइट है। बहुत सही, साइड में देख सकते हो बिल्लो के डायलॉग्स आ रहे थे कि तुम्हारे म्याउस्टर कौन से वेपन्स यूज करते। तो यार आइरीन जो है मैं तुम्हें बताऊँ, रैंडम बिल्ला नहीं है वो बेसिकली किसी का तो भी बिल्ला है राइट, और किसी का बिल्ला मुझे हंट में मिल गया है। तो बेसिकली एक ट्रेल रेडर की तरह अभी काम कर रहा था। अरे यार बैन ब्रो के फुटप्रिंट्स तो मिल रहे हैं लेकिन बैन ब्रो नहीं मिल रहा है। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक बार अपनी हैंडलर के पास निकलता हूँ और उसको ये हंट्स रिपोर्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ कौन से मैप के कितने लेवल्स इंक्रीज हुए हैं। बेकार के ही ज्वेल से ये तो। तो यहाँ पर देख सकते हो एंशिएंट फॉरेस्ट जो है लेवल 1 पे है। नीचे क्या है, वाइल्ड स्पायर वेस्ट भी लेवल 1 पे है, कोरल हाइलैंड्स भी लेवल 1 पे है। तो मेरे को कोरल हाइलैंड्स का इंक्रीज़ करने का है। मैं क्या कर सकता हूँ, कोरल हाइलैंड में कुछ तो भी बुला सकता हूँ मैं। चेंज ऑब्जेक्टिव जाने देता हूँ। ल्योर मॉन्स्टर नहीं है, स्पेशल ट्रैक्स मेरे को एनालाइज करना है यहाँ पे और स्पेशल ट्रैक्स मेरे को मिल नहीं रहे, किस्मत ख़त्म है मेरी। बैन ब्रो की आवाज आ रही है यहाँ से। तो ये है यार बैन ब्रो, यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके लिए मैं लगाऊंगा शॉक ट्रैप। और फिर मैं चले जाऊंगा अपने कैंप में फिर से। तो यही करूंगा, बार बार शॉक ट्रैप लेके आऊंगा, बार बार इसको फंसाऊंगा, बार बार कैंप में आऊंगा, फिर रिफिल करूंगा, फिर फंसाऊंगा। एक और चीज मैं कर सकता हूँ, आइटम बॉक्स में जा करके मैनेज आइटम्स में अगर मैं गया तो ओके शॉक ट्रैप ले लेता हूँ सबसे पहले तो, और यहाँ पर ट्रैप टूल्स रख लेता हूँ। तो मैं क्या ना, मैं इस इन्वेंटोरी का भी एक लोड आउट बना सकता हूँ। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ये लोड आउट 1 है, ये लोड आउट 2 है, तो मुझे बार बार चीज़ों को रीफिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सिर्फ लोड आउट 2 पर आकर के चीज़ें उठा सकता हूँ। ओके फिर से चलते हैं बैन ब्रो के पास। शॉक ट्रैप्स के अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे। कुलू याकू, ओके कुलू याकू के फुटप्रिंट्स थे कहीं तो भी, ये देख सकते हो यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता कुलू याकू जो है वो कोरल हाइलैंड्स में मिलने वाला प्राणी है। एक्सक्यूज मी,
वो यूजुअली रहता है फॉरेस्ट पे या फिर और कहाँ रहता है वो, या तो वो फॉरेस्ट पे रहता है या तो वाइल्ड फायर वेस्ट पे। ओ इनको मेरे पे गुस्सा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यार पैरालिसिस की इतने स्पैमिंग चल रही है यहाँ पे, एक बार देख लेता हूँ मैं लेवल्स क्या क्या है। तो लेवल्स वगैरह ज़्यादा इंक्रीज़ हुए नहीं है वैसे, खैर कोई दिक्कत नहीं। चलो यार अभी एंशिएंट फॉरेस्ट की कैप्चर से ही निकल लेते हैं, सलियामेना में चलते हैं और सलियाना में पूछते हैं एडमिरल के पास कि उसके पास मेरे लिए क्या क्वेस्ट है। उम्मीद करता हूँ उसके पास स्टोरी और आगे बढ़ पाएगी। दिक्कत यह रहती है कि जो गाइडिंग लैंड्स है वो लेवल से लॉक रहता है, यानी कि अगर मेरा मास्टर रैंक लेवल ज़्यादा ना हो तो गाइडिंग लैंड्स में मेरे को ज़्यादा कुछ करने को मिलेगा नहीं। ओह एडमिरल के पास, we've got things to discuss. You heard the rumors of Shattered Horn, right? Seems a few hunters exploring the Horrorfrost Reach got a glimpse of something. Something like a Tyrion with its horn broken off. मुझे नहीं पता मैं वॉइस एक्टिंग क्यों कर रहा था, क्योंकि बंदा गेम में ही बोल रहा है। खैर I know, right? A real ear perker. So, I figured I'd go out to the Reach and take a look for myself. I looked high and low, but no sign of any Tyrion. Much less a hornless one. But I did find tracks. Fresh tracks. It's strange though. Having a Kirin show up all of a sudden out here. Which means it came from somewhere else. So, we gotta go and find the Shattered Horn. I already filed a quest with your handler. Who knows where it came from? What's up with its horn? But it's our job to put the pieces together. Now get moving and don't keep me waiting. In Iceborne, speak characters with purple to advance special assignments. ठीक है, ओके। टूटे हुए सींग वाला किरीन, यानी कि टूटे हुए सींग वाला यूनिकॉर्न, कुछ तो खास होने वाला है इस पे। पोस्ट न्यू क्वेस्ट, चलते हैं मास्टर रैंक में, स्पेशल क्वेस्ट में स्टर्लिंग विथ प्राइड। ठीक है यार, शुरू करते हैं ये क्वेस्ट। चेंज इक्विपमेंट, मैं यूज़ करूँगा फ्रॉस्ट क्राफ्ट, क्रिम्सन वाइपर फैंक। इसको भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, लेकिन इसको यूज़ करूँगा नहीं। फ्लेमिंग ट्यूज़ा, इंसेक्लेव किरीन के लिए सही नहीं है, किरीन बहुत छोटा जानवर है। ग्रेट स्वॉर्ड इसके लिए बेस्ट है। डेकोरेशंस भी सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, चार्जर वाइटैलिटी, ड्रेन वाइटैलिटी, रिफ्रेश इवेजन एक्सपर्ट। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, वार्मिंग ज्वेल उठा के चलूँगा ताकि बार बार मेरे को क्या कहते हैं हॉट ड्रिंक्स ना पीना पड़े। ये समझ सकता हूँ मैं कि चार्जर जो है काफ़ी यूज़फुल ज्वेल है, फोकस लेवल जो है वो बढ़ा देता है। अगर चार्जर लेवल 1 है और फोकस चांस लेवल 2 है तो चार्जर जो है वो लेवल 3 पे आ जाता है। एक काम करता हूँ, चार्जर को छोड़ करके रिकवरी पे ही मैं रिप्लेस करता हूँ। ये थोड़ा टाइम लग सकता है हेल्थ रिकवर करने में, हेल्थ रिकवर नहीं, हेल्थ का साइज रिकवर करने में, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्वेस्ट तैयार है, मील करूँगा मैं अभी। मनी शेफ चॉइस प्लेटर, यस लेट्स गो। मुझे जिनोगर से लड़ना था यार, लेकिन वही था कि जिनोगर भाग गया अचानक से। जिनोगर नहीं, मैं भी जिनोगर से भागा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं थोड़ा नर्वस था उस टाइम पे, 1-to-1 टक्कर देने के लायक नहीं था। Let's
शैटर हॉर्न को ढूंढना है। अगर किरीन है, कोई भी बड़ा जानवर है जितना मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता है, जहाँ पर वेलकान और बैरियोथ रहते वहीं पर हर कोई लार्ज मॉन्स्टर मेरे को मिलता है, तो इस बार भी मैं वहीं जाके देखूंगा। सबसे पहले तो यार मैं बैरियोथ के ही लोकेशन पे चेक करूंगा। और मैं तुम्हें ये बता दूं, किरीन भले ही दिखने में छोटा है वो एल्डर ड्रैगन, और किरीन यहाँ पर नहीं है। खैर दूसरी तरफ जाकर देखते हैं। और किरीन यहाँ पर भी नहीं है, तो चलो वेलकाना के एरिया पे जाकर के देखते हैं। ये है वेलकाना के एरिया। एरिया चेंज कर करके देखना चाहिए जब सारे एरियाज अनलॉक हो जाए तो, क्योंकि वरना कोई सेंस ही नहीं बनता। ओहो देखो यार पहले ही मिल गया। देख ही सकते हो यार काफी छोटा है ये, अपने हिसाब से काफी बड़ा है लेकिन यूजुअली छोटा है। अरे बाप रे, ये पहले ही एग्रोड है, कैसे लड़ूंगा इससे मैं। देख सकते हो यार इसका डैमेज भी जो है वो काफी ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसको बस हिट एंड रन करना है मेरे को। बढ़िया हेडशॉट, एक और। अरे यार ये आरएनजी वाली चीज मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये इसी की बात कर रहा था मैं। पासा बिल्ले, काफी गुस्से में है ये किरीन, सच बता रहा हूं। ओके अरे बाप रे, मौका ही नहीं दिया उसने, मौका ही नहीं दिया मेरे को मूव करने का। फिर से वो वही करने वाला है। बहुत सही, बड़ा अजीब मुकाबला है यार ये, सही बता रहा हूं। आधे टाइम तो मैं लक पर डिपेंडेंट हूं। मेरा बिल्ला भी बेहोश है वहां पे। बहुत सही, सही टाइम पे डॉज रोल। बहुत सही, एक और स्टन अगर मुझे मिल जाए तो काफी अच्छी बात होगी। ना ना, ये किरीन पूरा ही गुस्से में, ये स्टन नहीं होने वाला। नलवेरी तैयार रखता हूं मैं।
बहुत सही, इसके शरीर को मैं टेंडराइज कर दूंगा ताकि बार बार मुझे जो हिट्स मारना पड़ रहा है एम करके वो ना करना पड़े, इसके शरीर के किसी भी हिस्से में मैं हिट्स कर सकूं। बहुत सही, सुपर सेन बन रहा है वो। बहुत सही, बहुत ही क्लोज। अरे यार क्यों क्यों, किरीन जो है आधा टाइम जो है उसका जो प्ले स्टाइल है वो लक डिपेंडेंट रहता है, और वही रीजन है किरीन का जो आर्मर है उसमें गुड लक का स्किल है। बहुत सही, शार्पन यार, नहीं फिर से नहीं, मेरा बिल्ला भी स्टन हो चुका है, देख सकते हो वहां पे किस तरीके से स्टैचू बन चुका है एक जगह पे। हट, अरे मुझे लग रहा है मैं गलत वेपन यूज कर रहा हूं फॉर सम रीजन। एक काम करता हूँ, कैंप वापस जाता हूँ। अच्छा किरी नहीं पर ही है, कैंप वापस जाके ब्लास्ट वेपन लेके आऊंगा मैं, चेंज इक्विपमेंट, आइस विंग नहीं। 1056 डैमेज है भले ही, लेकिन ब्लास्ट 390 है, और मुझे नहीं लगता किरीन को आइस से कुछ असर हो रहा है तो यही लेके जाऊंगा। 130-140 एवरेज डैमेज जा रहा था, देखते ब्लास्ट में कितना डैमेज आता है। अगर ब्लास्ट काम नहीं किया तो इंसेक्ट ग्लेव लेके आऊँगा फिर, अलग चीज़ है। किरीन को मैं हवाई हमला नहीं दे सकता, लेकिन एटलीस्ट इंसेक्ट ग्लेव से ज़मीन से मारने की उसको कोशिश कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पर है, ओके नॉर्मल है, एवरेज ही है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस भाई, अरे गया मैं, बहुत सही। मुझे लगा मैं उस लाइन के बाहर था, खैर कोई दिक्कत नहीं, दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, इंसेक्ट ग्लेव लेकर आना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता इससे कुछ हो पाएगा। चलो यार इंसेक्ट ग्लेव लेकर आते हैं, चेंज इक्विपमेंट, इंसेक्ट ग्लेव, बहुत सही। वार्मिंग ज्वेल मेरे पास नहीं है तो अभी तो मेरे को हॉट ड्रिंक पीना ही पड़ेगा, मजबूरी है। बहुत सही, हॉट ड्रिंक भी नहीं है मेरे पास। आइटम बॉक्स में जाके देखता हूँ हॉट ड्रिंक्स यहाँ पर है क्या। मेगा डीमन ड्रग है,
उम्मीद करता था कि मतलब यहाँ पर आकर भी मैं क्या कहते हैं डेकोरेशंस वगैरह चेंज कर सकूं, लेकिन दिक्कत यही है कैंप में रह करके डेकोरेशंस चेंज नहीं हो सकती। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर पास में ही मैंने कुछ ये देखो हॉट पेपर देखे थे, तो यहाँ से मैंने क्राफ्ट कर लिया है हॉट ड्रिंक और पावर अप। नाइस। यार क्या डैमेज है इसका, बस यार वही है टेंडराइज तक करने का मेरे को मौका नहीं मिल रहा है। ओके, आग इसकी कमजोरी लग रही है मुझे। ग्रीन की वीकनेस है फायर। अब मुझे पता है जैसे ही मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा टेंडराइज के लिए, बहुत सही ये यही करेगा। अभी कर सकता हूँ, बहुत सही। अगर ग्रेट सॉर्ड के एक अटैक से जितना डैमेज जा रहा था, इंसेक्लेव के चार पांच अटैक करने पड़ रहे, लेकिन ज़्यादा डैमेज दे रहा हूँ मैं उसको। हेड को भी कर देता हूँ। अरे अरे यार नहीं, फिर से नहीं, बहुत सही। किरीन भी वापस जा रहा है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो अपने कैंप में जाऊँगा और अपने रिसोर्सेज जो है वो रीफिल कर लूँगा, नहीं तो जिस हिसाब से मेरे रिसोर्सेज है उस हिसाब से बहुत जल्दी मरने वाला हूँ मैं। ग्रेट स्वॉर्ड सबसे बेस्ट वेपन है यार, मैं बता रहा हूँ किरीन के लिए, क्योंकि बहुत छोटा साइज़ है। इंसेक्ट लेव में अगर प्रैक्टिस ना हो तो एम करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, क्या है क्या नहीं, सबसे पहले तो इसकी जगह मैं डालूँगा मेगा न्यूट्रिएंट्स। मेगा न्यूट्रिएंट्स है मेरे पास, मैंड्रागोरा भी है, तो मैं क्राफ्ट करने के लायक हूँ। खैर देखते हैं किरीन कहाँ पे है। यहाँ पे ठीक है, ले चलो स्काउट फ्लाइज। देख सकते हो यार स्टैमिना भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और बहुत ही जल्दी मुझे हॉट ड्रिंक की भी ज़रूरत पड़ने वाली है ऐसा लग रहा है। और ऑफ कोर्स मेरे पावर अप भी खत्म होने वाले हैं। स्टैमिना खत्म है मेरा। ओके, हार्ड शेल पाउडर डाल लेता हूँ खुद पे, डिफेंस बढ़ चुका है मेरा। क्यों भाई इतना स्टिक ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है। एनी हाउ हॉट ड्रिंक है, ठीक है, और दो तीन हॉट ड्रिंक्स चाहिए मुझे। खैर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है किरीन। सबसे पहले तो मुझे चाहिए इसका पावर अप। काम करता हूँ, इसके पिछवाड़े पे मैं ऐसे धब्बा मार दूंगा ताकि मेरा जो कीड़ा है अपने आप उसको मारने जाएगा इस तरीके से।
और वो लगातार उसको मारता भी रहेगा। जान बची लाखों पाए। अरे यार कैसे, ऑफ कोर्स खत्म है, फिर से खत्म। ठीक है यार इससे नहीं होगा, ग्रेट स्वॉर्ड ही लेना पड़ेगा। ग्रेट स्वॉर्ड से ही ये चीज सही हो सकती है। बस दिक्कत यह है कि मेरे पास फायर वाला ग्रेट स्वॉर्ड नहीं है। अगर ये क्वेस्ट फेल होता है तो एक काम करते हैं, ये क्वेस्ट अभी नहीं करूँगा, सबसे पहले फायर वाला वेपन ही क्राफ्ट कर लूँगा, भले ही वो एंजनाथ का वेपन क्यों ना हो, क्योंकि एटलीस्ट मुझे कुछ ऐसा वेपन चाहिए जो किरीन को मार सके, और किरीन को मारने के लिए यार मेरे को चाहिए एंजनाथ वेपन। तो पहली बार ऐसा हो रहा है शायद पूरे सीरीज़ में कि मैं एक फाइट से पीछे मुड़ के जा रहा हूँ। है बहुत बुरी चीज़ समझता हूँ, बट ठीक है। मॉन्स्टर हंटर का यही है, डिफ़िकल्टी जो है खुद चूज़ करते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं, और इसमें मैं चूज़ करूँगा कि फायर वेपन में उठाऊँ। ये तो वाटर है, गिल्ड पैलेस जाने देते हैं। फायर 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 ये है, ये तो लॉन्ग स्वॉर्ड पे आ गया मैं, गलत जगह आ गया, खैर कोई दिक्कत नहीं। ओके क्लाविनस में 1200 मुझे मिल रहा है, और ओके ₹1296 - 30। ठीक है यार एंजनाथ का ही कर लेता हूँ, अभी एंजनाथ मैंटल की ज़रूरत पड़ेगी और दो एंजनाथ मास्टर रैंक वाले मेरे को हंट करने पड़ेंगे, तो हो जाए। कहाँ गई मेरी हैंडलर? ओके पोस्ट न्यू क्वेस्ट ऑप्शनल एंजनाथ देखता हूँ कहीं पर है कि नहीं। एंजनाथ एंटिक्स एंशिएंट फॉरेस्ट में है, ठीक है यही कर लेते हैं। राइट एंजनाथ के लिए सबसे बेस्ट तो जो है वो लॉन्ग स्वॉर्ड ही है, क्रिम्सन वाइपर फैंग। या फिर चलो यही ठीक है, एक बार डेकोरेशन भी सेटअप कर देता हूँ मैं। वाइटैलिटी वाइटैलिटी, कितना हेल्थ बूस्ट है मेरे पास यार? 3 तो है, तो और 2-3 डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर। विंड रेजिस्ट की जगह मैं ट्रिमर रेजिस्टेंस डाल सकता हूँ। फुटिंग ज्वेल नाइस, और यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ स्टेडफीस्ट। स्टेडफीस्ट क्या करेगा ना, मुझे स्टन होने नहीं देगा। हार्ड मियोस्टर की जगह सैटिएटेड अटैक ज़रूरी नहीं है। ईवेड एक्सटेंडर डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे, बुरा स्किल नहीं है, देखते हैं। ठीक है चलो ये रेडी है, ग्रैंडमा के हाथों का खाना खा लेता हूँ और उसके बाद चलता हूँ एंजनाथ को हराने। कोशिश करूँगा कि कैप्चर कर लूँ, अगर एंजनाथ का मेंटल जो है पहली बार में मिल गया तो क्या ही कहने, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज तो किरीन को हराना है मुझे। और जितना मुझे लगता है एंजनाथ जो है एक ही जगह हो सकता है इस एरिया के आसपास,
जहां पर फूके फूके का बसेरा है। सेंट पकड़ लिया स्काउट फ्लाइज ने भी। मजेदार बात है यार, अंजनाथ यहाँ पर नहीं है, थोड़ा दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे चल सकता हूँ मैं वहाँ तक। ऑफ कोर्स जैगराज आ गए इधर पे। जैगराज की सबसे बेस्ट बात यह है कि सबको मारने की जरूरत नहीं है, कुछ ही को मार दो बाकी के भाग जाए। ओ कोई एक बंदे ने मेरे को ज्वाइन किया, किसी तो भी रैंडम बंदे ने, खैर बढ़िया है। और ये देखो टीरेक्स। अरे बाप रे, टकराएगा? नहीं टकराया, खैर कोई दिक्कत नहीं। फोरसाइट कॉम्बो एक और बार, देख सकते हो वो बंदा ड्यूल ब्लेड यूज कर रहा है। इस बार टकराएगा? टकरा गया, बहुत सही। वो साइज लगा ही था वो करेगा ऐसा। ये मुझे पसंद है ये तलवार। हेडशॉट, ओहो यार देखो तो कौन स्टन हुए। मटेरियल्स उठा लूंगा मैं इसके, क्योंकि जरूरत है मेरे को अभी अंजनाथ के मटेरियल्स की। हील कर लेंगे मैं खुद को, हील कर लेता हूँ मैं खुद को। कॉन्फ्लेग्रेंट सैक, हाँ तो इसके आग के सैक को अभी ये बोला जाता है। हिट, हेल्म ब्रेकर, भाई कितनी दहाड़े। बंदा काफी सही बंदा है यार, बहुत ही, अरे बाप रे
बहुत सही। हाँ बंदा सही इसलिए है क्योंकि बार बार उसके पास हीलिंग मटेरियल्स है। और जब भी मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा नीचे हो रही है वो मेरे को हील करते रहते हैं समय पर। बढ़िया एक और। अरे बहुत सही। टेंडराइज इसका एलिमेंट क्लोज हो चुका है। नाइस। वो बंदा जो है ऐसा लग रहा है कि फायर या फिर कुछ तो भी वेपन यूज कर रहा है। फायर नहीं वाटर वेपन यूज कर रहे हैं। अंजनाथ की कमजोरी जो है वो वही होती है। उसका आर्मर भी बड़ा शाइनी लग रहा है यार। काफी हाई लेवल का बंदा लगता है। सही है। बहुत सही। ब्रेकर बहुत ऐसा लग रहा है उसको भी जहर पड़ने वाला है। निकल देता हूँ मैं यहाँ से। बहुत सही जहर का असर हो चुका है उसे। अंजनाथ खाता हूँ। बहुत सही। कैप्चर नहीं कर पाया मैं। कोई दिक्कत नहीं। अंजनाथ जेम सीरियसली मुझे मेंटल चाहिए था यार। अंजनाथ फर ठीक है यार। काफी अच्छे आइटम्स तो नहीं मिले। शायद एक दो हंट्स और करने पड़ेंगे। वो लगातार हेल्थ पिए जा रहा है। उसके पास शायद फ्री मील जो है वो फुल लेवल 3 का होगा। और देख ही सकते हो कितनी जल्दी से वो पी पा रहा है। इसका मतलब उसका जो गॉबलर लेवल है यानी कि स्पीड ईटिंग लेवल है वो भी फुल होगा। ठीक है ज़्यादा कुछ खास है नहीं बट देखते हैं अंजनाथ का स्वॉर्ड जो है मैं क्राफ्ट कर पाता हूँ कि नहीं यहाँ से। ओके फॉर इक्विपमेंट वेपन्स ग्रेट स्वॉर्ड अंजनाथ ट्री ये रहा। अभी तक नहीं यार। अंजनाथ हार्ड फैंग सिर्फ 1 है मेरे पास। शार्ड 3 है। मेंटल 0 है। लैश 1 है। ठीक है फिर से जब तक मिलेगा नहीं तब तक ग्राइंड चलती रहेगी। और इस बार कोशिश करूंगा कि जॉइन क्वेस्ट ट्राई करूं ताकि अगर कोई दूसरा बंदा हंट कर रहा होगा तो उसी को मैं ज्वाइन कर लूँगा ना। पोस्ट न्यू क्वेस्ट पोस्ट नहीं
join quest must SOS. है ही नहीं यार, खैर कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट ही कर देता हूँ। इवेंट में इंजन आता है क्या? होना तो चाहिए। एंजनाथ और बैनबैरो दोनों हैं। खैर नहीं करना मेरे को वो। पोस्ट न्यू क्वेस्ट मास्टर रैंक ऑप्शनल। लेवल 2 स्पेशल अरीना में भी एंजनाथ नहीं है। चलो फिर से चल लेते हैं। स्टिक योर नोज समवेयर एल्स। व्हाई स्पायर वेस्ट? हाँ सही है, वाइल्ड स्पायर वेस्ट मेरा फेवरेट मैप है, क्योंकि एंशिएंट फॉरेस्ट जैसा बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है वो मैप। ऑल राइट, निकल लेते हैं एंजनाथ को फिर से बजाने। आर्मर स्पीयर्स के पास जाकर छोड़ा है इस बंदे ने, बंदे ने नहीं अपने ट्रैवलिंग ड्रैगन ने। थोड़े स्लिंगर एमो, थोड़े ये सब। इसके बाद मैं सीधे ही निकलूंगा कैंप तक, और कैंप में एक बार मैं मील कर लूँगा। उसके बाद फिर से चलूँगा मास्टर रैंक एंजनाथ से फाइट करने। जैसा कि ऑलरेडी तुमने नोटिस कर ही लिया होगा कि मास्टर रैंक एंजनाथ के 2-3 नए मूव्स है। अब वो मुंह से डायरेक्टली आग उगल सकता है, पहले क्या अंजनाथ यूजुअली कर नहीं पाते थे। खैर ज़्यादा दूर नहीं लग रहा, पास में ही है, उसका नेस्ट पास में ही होता है यूजुअली। बैरोथ है यहाँ पे। यहाँ पर देखो एक बार बस उसको फेंकूंगा। एक बार एग्रो हो जाए। अरे पिंक रैथियन भी यहाँ पर है, टर्फ वॉर हो जाए बस इनका। करो टर्फ वॉर, बहुत सही। अरे मेरी तरफ निशाना एकदम मेरे पर था, पिंक रैथियन का तुमने देख सकते थे। बहुत सही, दोनों एक दूसरे से टकराए, और इसी मौके को लेकर मैं एंजनाथ का जो पैर है उसको टेंडराइज कर दूंगा। और दो मटेरियल भी यहाँ हार्ड फैंग, बहुत सही। ओहो थैंक्स रैथियन। वेल नो थैंक्स रैथियन। अरे बाप रे, गलत सर पर लटक गया, फिर से गलत पैर पे लटक गया। अभी सही पैर पे लटका हूं। क्यों क्या हुआ? एंजनाथ का वो वाला अटैक। अरे क्यों यार, विंड प्रेशर में क्यों? थैंक्स बिल्ले।
तो जब तक मैं यहाँ पर कुछ करूँ ये लोग एक दूसरे को मार देंगे। मेरे लिए अच्छा है वो वैसे। ओहो क्या बात है, नहीं जाना चाहिए था मुझे उधर पे। अंजनाद यहाँ से निकल रहा है तो मेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं। चलो पीछा करते हैं उसका। इस टाइम में शायद इंसेक्ट लेप भी ला सकता था पॉइजन वाला, बट वही है इंसेक्ट लेप बहुत खेल लिया। मतलब पहले कुछ एपिसोड से मैं सिर्फ इंसेक्ट लेप ही खेले जा रहा हूँ, तो बस यही सोचा कि कुछ और वेपन भी खेल ही लेता हूँ, नहीं तो आदत छूट जाएगी। एनिमेशन में अटक गया मैं। क्यों बैनोथ क्यों क्यों? लॉल थैंक्स बैनोथ। यार इनके दहाड़ने बंद नहीं हो रहे। अरे बाप रे, बहुत ही ज्यादा ही खतरनाक अटैक था वो। और उसका एक पैर टेंडराइज खत्म हो चुका है। गैरोथ सीरियसली? उस वाले अटैक का हिटबॉक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। नफरत है मेरे को उस अटैक से। नाइस। यार इन दोनों के बीच में फंस गया मैं, थोड़ा डिस्टेंस ले लेता हूँ। चलो अच्छी बात है। नलबरी खाओ चले बनो। नलबरी की बेस्ट बात यह है हर तरह के बायोम में मिलता है। यह एक ऐसा फल है जिसको सीजन की जरूरत नहीं है या फिर एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, हर जगह मिल जाता है। एप्सरोस जो है डरे हुए हैं। गेम का एक और बहुत ही बढ़िया मैकेनिक है, अगर कहीं एप्सरोस का ट्रायंगल टाइप का जो फॉर्मेशन है वो मिल जाता है तो वहाँ पर मॉन्स्टर को वॉल बैंक दे सकते हैं। बंद नहीं हो रहे। मेरा बेचारा बांकड़ बिल्ला, उड़ जा भाई। नाइस। फोर साइड काट दूंगा मैं। बहुत सही बहुत सही। डर नहीं लगता मेरे को फिर से। आ जा यार दहाड़ना।
ये कैसा हिटबॉक्स था? डुअल हिटबॉक्स, खैर कोई दिक्कत नहीं, थैंक्स विल ले। फिर भी अभी ओहो नाइस, बढ़िया लाइट स्पिरिट फ्लैश। हेलम ब्रेकर इसके मुंह पे पड़ेगा, पड़ गया और इसका एलिमेंट खत्म। जल्दी से मैं यहाँ पर शार्प कर लेता हूँ। थके हुए अंजनाथ, हट हट, बूम। ये लेती फालतू में सुसाइड किया मैंने, घंटा कुछ नहीं पा सकता ये। थका नहीं है ये, मुझे नहीं लगता ये थका है। एंजना जेम, सीरियसली मेरे को टेल नहीं मिला? मुझे नहीं लगता एंजना थका, ओहो लग तो रहा है थका हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकता मैं, क्योंकि चलने का एनिमेशन जो है वो पूरी तरीके से थके हुए चलने वाला नहीं है। अगर वो सोता है सिर्फ तभी ही मैं उसको क्या कहते हैं, शॉक ट्रैप लगाऊंगा, नहीं तो नहीं। और मुझे नहीं लगता वो थका है। पासा एलिमेंट खत्म इसका। जब अंजनाथ का एलिमेंट खत्म होता बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से नीचे गिरता है ये। हेल्म ब्रेकर नाइस, एक वॉल बैंक बस। अगर देख ही सकते हो इसकी हेल्थ जो है बहुत कम हो चुकी है। गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। लच्चा आ, बस एक और हेल्म ब्रेकर नहीं, और एक और एक और एक, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत सही। और देखो यार उसके आइकन पे स्केलेटन आ चुका है, तो इसका मतलब मैं इसको ट्रैप कर सकता हूँ। बहुत सही, मिनी मैप में जब भी स्केलेटन आ जाए तो समझ लेना कि एनिमल जो है, एनिमल नहीं यार, जो मॉन्स्टर है वो कैप्चरेबल है। दस सेकंड बचे खत्म होने के लिए क्वेस्ट। उस डैम पे कुछ हार्वेस्टिंग भी कर ली मैंने,
प्लीज 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 इस बार सारे मटेरियल्स मिल जाए। ओके 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 नाइस 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 एंजनाथ मेंटल मिल चुका है मुझे, बहुत सही। टेक ऑल, शायद सारे मटेरियल्स कलेक्ट हो गए। 13 मिनट मैं फिर भी कहूँगा थोड़ा ज़्यादा है एंजनाथ को मारने के लिए, लेस देन 10 मिनट्स में एंजनाथ ख़त्म होना चाहिए। खैर कोई नहीं, चल के देखते एक बार। अपग्रेड इक्विपमेंट वेलकाना का देख लेता हूँ मैं, बस कुछ है कि नहीं। शाहरा इसी वॉल द टेंडर क्लो वेलकाना क्राउन ऑन। ओके वेलकाना के इसको अपग्रेड करने के लिए थोड़ा और चाहिए, लेकिन वो अभी नहीं, वो बाद में करेंगे। 450 330 ठीक है, अभी करना है मेरे को फोर्ज इक्विपमेंट वेपन ग्रेट स्वॉर्ड एंजनाथ ट्री। यार अभी तक एंजनाथ लैश नहीं मिला मेरे को, मेल्डर के पास जाकर देखता हूँ अगर लैश मिलता है कि नहीं, नहीं तो एंजनाथ अभी शायद अरीना में होगा तो उसको हंट कर सकते हैं। मेल्ड आइटम्स यहाँ पर लगता है नॉर्मल आइटम्स नहीं मिलते, खैर कोई दिक्कत नहीं, एक और एंजनाथ का हंट होगा अभी तो। ज्वाइन करके देखता हूँ अगर किसी ने पोस्ट किया होगा तो, क्वेस्ट भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा ऐसे में। बुरी किस्मत, खैर कोई दिक्कत नहीं। स्पेशल अरीना मास्टर एक अंजनाथ, लेट्स गो। कर लिया है मैंने मील और क्वेस्ट के लिए डिपार्ट। नाइस, चल लेते रोप लिफ्ट पे। सबसे पहले वॉल बैंक देने की ही कोशिश करूँगा, और अगर एक बार मैंने बीच में ही इसकी पूंछ काट दी इसको मारने से पहले और पूंछ में मेरे को लैश मिल गया तो मैं क्वेस्ट आधे में ही छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि क्या पता बाद में फिर से आना पड़े एंजनाथ को हंट करने के लिए। और बार मैं उसको वॉल बैंक दे सकता हूँ शायद। ओहो विंड प्रेशर, जमीन को ही खा ले, मैं जॉब छोड़ देता हूँ। इस बार मैं इसको पैरों को टेंडराइज करूंगा। दूसरे पैर को भी कर दूंगा टेंडराइज। और थोड़ी शाइनीज भी उठा लूंगा। अरे यार फोरसाइट क्यों नहीं लगा मेरे से, बाप रे।
थोड़ा दूर था मैं। ओहो यार बहुत ही अच्छा शॉट मिस कर दिया मैंने। प्लीज लग जाए इस बार पूछ पे। नाइस ये कैसा शॉट था मुझे समझ नहीं आया। एक तो मैं उसके विंड प्रेशर से रुका, विंड प्रेशर या फिर दहाड़ कुछ भी थी। और नहीं नहीं बहुत सही बहुत सही यार यार, या तो मारो या तो दहाड़ो। एक तो इसके आग की इफेक्ट्स की वजह से मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी। बस्कर भाई वही अटैक कितनी बार स्पैम करेगा। लग जा मैं सही बता रहा हूँ यार, अभी मैं इसको टारगेटेड अटैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए ज़्यादा अटैक्स लग नहीं रहे। अगर अंधाधुन मार रहा होता ना अभी तक ये ख़त्म हो जाना था। कोई दिक्कत नहीं, एक वॉल बैंक प्लीज। बहुत सही पूछ पे हमला। बहुत सही ऐसे ही बस अभी पूछ कटेगी पक्के से। लगा लेता हूं मैं जल्दी से अपना डीडी मेंटल। और गिली मेंटल का असर खत्म। बहुत सही इधर आ कोई जरूरत नहीं, सिर्फ तेरी पूंछ से मतलब है। ओके अंजनाथ लाश मिल चुका है मेरे को, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। जो आइटम चाहिए था वो मिल गया। अभी इसका मेरे को कोई काम नहीं है। बेस्ट बात यह है क्योंकि मैंने रिटर्न टू क्वेस्ट किया इसका आइटम लेकर के, राइट। तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट टाइम अरीना वाला अंजनाथ का क्वेस्ट रहेगा यहीं पे। ओके तलवार दिलादिस में थी अभी।
forge equipment, weapons, greatsword, tree. बहुत सही. Equip now, अभी नहीं करना. अपग्रेड में जा करके देखता हूँ अपग्रेड कर सकता हूँ कि नहीं मैं इसको. एंजना तलाश यार. चलो ठीक है. क्योंकि आज तो किरीन को तो मारना है यार, कुछ भी हो जाए. तो यार वही क्वेस्ट मैं फिर से करूँगा और मुझे लगता है स्पेशल अरीना में हाँ एंजनाथ है तो वही करूँगा. फिर से इसकी पूंछ काटूँगा क्योंकि अभी सिर्फ पूंछ ही चाहिए मुझे. और जैसे ही पूंछ काटता हूँ वैसे ही वापस आ जाऊँगा और एंजनाथ का वेपन मेरा तैयार हो जाएगा, ग्रेट स्वॉर्ड एटलीस्ट. और वो किरीन को मारने में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा क्योंकि उसमें फायर डैमेज जो है आई गेस एंजनाथ के वेपन में ही सबसे हाइस्ट है. तो सबसे पहले मैं कर लूँगा मील. नाइस. एक और स्किल रहता है गेम में हैंडीक्राफ्ट करके, जो कि वेपन का जो बेस शार्पनेस है उसी को ही बढ़ा देता है. लेकिन हैंडीक्राफ्ट का मेरे को या तो कोई आर्मर स्किल पता है, या तो मिला है, या तो मेरे को कोई ज्वेल मिला है, तो मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता. बट ठीक है. बैंड नाइस. पूछ लो सबसे पहले टेंडर राइज कर दूंगा मैं. बहुत सही. एक और वॉल बैंक देने के लिए तो शायद थोड़ा पासा. नाइस. तो यार दोनों वॉल बैंक पड़ चुके हैं. दूसरे पैर को भी पैक कर देता हूँ टेंडर राइज. मैं हूँ कहाँ पे? अरे यार गलत मूव. इसके हर मूव पर अभी अरे बाप रे. स्पिरिट की सेकेंड लेवल पर लेके जाना है. फोरसाइट बहुत सही. मैं तैयार था ऑलमोस्ट. बढ़िया. मेरे को ये समझ नहीं आ रहा उसकी सांस लेने पर मेरे को क्यों डैमेज लग रहा है. विंड प्रेशर थोड़ा कैप क्लोज करता हूँ. ओके ओके बढ़िया. अरे लगनी चाहिए थी बच नहीं रही. कोई दिक्कत नहीं है. एक और बार हम देखते हैं कुछ नहीं हुआ. एक और बार यार फिर से. इसकी मार से ज्यादा इसका दहाड़ खतरनाक है. चलो अच्छा एटलीस्ट पूछ से मैंने डैमेज किया. बहुत सही मौका मिला है यहाँ पे. एक और बार पूंछ को टेंडराइज करना पड़ेगा. और यार पूंछ कट चुकी है यहाँ पे. ठीक है वेट करते इसकी इधर आने का.
और मैं अभी चला जाऊंगा इधर। लैश फिर से मेरे को मिल चुका है, इस बार काफी जल्दी मिला, चलो अच्छा है। 5 मिनट या फिर 10 मिनट के नीचे मेरे को लैश मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके वेपन को अपग्रेड कर दूंगा, फिर जाऊंगा मैं कीरीन से लड़ने, और क्योंकि फ्रॉस्ट क्राफ्ट भी है मेरे पास तो मेरा जो एलिमेंटल डैमेज है वो थोड़ा अच्छे से मेरा मतलब है और ज़्यादा लगेगा। ओके चलो चलते हैं इसके पास, स्मृति के पास। अपग्रेड अच्छा, नीचे थंडर का है लेकिन थंडर इतना कुछ ज्यादा है नहीं, फायर का ही, और थंडर मुझे चाहिए भी नहीं। इक्विप नाउ, यस, अरे नहीं इक्विप नाउ नहीं करना था, खैर कोई दिक्कत नहीं। चेंज इक्विपमेंट, फ्रॉस्ट क्राफ्ट यूज करूंगा मैं, और आइस विंग की जगह जो भी नाम है इसका वो यूज करूंगा। सेट डेकोरेशंस, रिकवरी ज्वेल नहीं चाहिए मुझे, चाहिए वार्मिंग ज्वेल। ओके नाइस, हेल्थ बूस्ट है, क्विक शीट है, ईविड विंडो लेवल 2 है, और क्या क्या है, फोकस लेवल 3 है, ठीक है। आई गेस यही सब सही है, और वार्मिंग ज्वेल है तो कोल्ड प्रूफ, नाइस। तो चलो यार अभी तैयार हूँ मैं पूरी तरीके से कीरीन से लड़ने के लिए, तो पोस्ट कर देता हूँ उस क्वेस्ट को, और इस बार तो इसको मार के रहूँगा। अरे हाँ, इससे पहले मील मुझे लगता है मैं कैंप में जाकर ही कर सकता हूँ, क्योंकि कीरीन का क्वेस्ट जो है वो कटसीन वगैरह नहीं आता, तो आई गेस नॉर्मल ही ओपनिंग है उसका। बस लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, खैर तब तक अपना आइटम बॉक्स चेक कर लेता हूँ मैं, और आइटम बॉक्स में मेरे पास ऐसा कुछ है जो नहीं है, आई गेस सब कुछ है। ओके ओके क्वेस्ट रेडी है, तो चलो चल लेते हैं इस बार कीरीन को अच्छे से ख़त्म करने। तो लास्ट टाइम जो मेरे को याद था किरीन जहाँ पर मिला था वो था वेलकाना के कैंप के पास, जो कि है ये वाला कैंप, तो यहाँ पर फिर से सर्च करूँगा इसी एरिया पे। चांसेस है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है किरीन यहीं पर फिर से सो रहा होगा, सो रहा नहीं होगा मतलब मंडरा रहा होगा, और इस बार मेरे को पता है कि उसके ऊपर क्या कहते हैं, ओ किरीन यहाँ पर नहीं है, अजीब बात है। इस बार मुझे पता है किरीन पे हुक नहीं मारने का है, क्योंकि वो हमेशा ही एग्रो रहा हुआ है। बैरियोथ के एरिया में ना, ये यहाँ पर भी नहीं है, आगे की तरफ जाके चेक करना पड़ेगा। अजीब बात ही, लास्ट टाइम मैंने देखा था किरीन यहीं पर ही था, बट ठीक है। नल बेरी उठा लेता हूँ, ज़रूरत पड़ने वाली है, और नल बेरी को मैं यहीं पर रखूँगा। नाइस, स्काउट फ्लाइज ने सेंट पकड़ लिया है। इस बार लगता है असली में ही सेंट पकड़ लिया। ओके किरीन यहाँ पर है, कैंप के पास है, नहीं कैंप के पास नहीं है, चल कर ही जाते हैं।
ब्लू शार्पनेस वाले स्वॉर्ड से लड़ रहा हूँ काफी टाइम बाद, बट ठीक है। टूटे हॉर्न वाला कीरी। ओह गो 321 का डैमेज, बहुत बेटर है ये तो। कर ले अपनी यूनिट, ये अजीब बात है। अरे यार थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ लड़ रहा हूँ मैं शायद, बस खत्म। मैं यार इतनी जल्दी स्टन कौन होता है यार, मैक्स पोशन खा लेता हूँ। बहुत सही बहुत सही यार, आधा गेम तो लक बेस्ड है यहाँ पे। यहां जाऊंगा तो कॉर्नर हो जाऊंगा। पास आकिरीन, क्या रेंज अटैक है वो। बहुत सही बहुत सही। इसके आसपास, अरे यार खत्म है खत्म। एंटी पैरालिसिस ज्वेल लगाना चाहिए मेरे को। अरे यार बाउंस स्वॉट, स्वॉर्ड बाउंस हो गया यार। कुछ कर ही नहीं सकता मैं यहां पे। सही टाइम देखकर इस पे लटकना पड़ेगा मुझे। तो जैसे कि इस स्वॉर्ड का जो है अफिनिटी सिर्फ 30% है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो क्रिट रेट होगा, यानी कि जो मेरे क्रिटिकल हिट्स के जो चांसेस होंगे वो होंगे ऑलमोस्ट 70%। अगर अफिनिटी जितनी कम होगी उतने कम चांसेस होंगे क्रिटिकल हिट के। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक तो इसका लक बेस्ड मैच मेकिंग सुपर सेन बन रहा है। बस यही रैंडमनेस, यही रैंडमनेस। अरे भाई अरे भाई, यार किरीन का जो गेम प्ले है ना वो आधा लक डिपेंडेंट है,
और आधा स्किल है ये लक है। एक बार मैं बस इसके शरीर को टेंडराइज कर दूं। अरे यार नहीं, बहुत सही। चार स्लैश वगैरह कुछ नहीं करूंगा मैं, इसके शरीर बस टेंडराइज करना है मुझे बस। अब इसको हेड पे मुझे फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सही यार, एक तो इतनी मुश्किल से टेंडराइज मिलता है, उसके बाद से दो हिट में इसने मुझे खत्म किया। ओके, कुछ कर भी नहीं सकता मैं। कहाँ है किरीन? यहीं पर है। तो एक बार कैंप में जाके अपने आइटम्स वगैरह रीस्टॉक कर लेता हूँ। नाइस, और चल लेता हूँ किरीन से लड़ने। सबसे ज्यादा एनोइंग फाइट जो है वो इसी की है। शायद मेरे पास टेम्पोरल मेंटल है। ओके, अगर टेम्पोरल मेंटल है तो मेरा ये मानना है कि जब भी मौका मिलता है टेम्पोरल मेंटल यूज़ करने का, टेम्पोरल नहीं, टेंडराइज करने का किरीन को, उस टाइम पे टेम्पोरल मेंटल यूज़ करके करूँ। मैक्स पोशन खा लेता हूँ ताकि हेल्थ जो है वो बरकरार रहे एटलीस्ट। ये बहुत बढ़िया, कुछ अच्छे हिट्स पड़े। खुश होते ही मैंने हिट्स मिस किए। बहुत सही, अरे भाई क्या लात थी वो। सही टाइम पे डॉज किया मैंने। बहुत सही, एक और बार। यार नहीं, नाइस, ये मौका टेंडराइज करने का है। इसकी स्किन बहुत जल्दी फिर से हार्ड इनफ हो जाएगी। बहुत सही, बुरा नहीं था, कुछ अच्छे हिट्स मिले, कुछ बुरे हिट्स मिले। एक बार मर चुका हूं मैं। ओके, पावर कोर। ओहो, यार यही सही नहीं लगता मेरे को। जब भी लक की बात आती है किसी चीज में, यही ना मैं कहीं पर डॉज कर सकता हूँ, ना ही कहीं पर इवेड कर सकता हूँ, भले ही जितने भी सही टाइम पर मैं इवेड करूँ।
वहां पर कंप्लीटली चार्ज टू यार खत्म, फिर से खत्म। अगली बार से इसके लिए स्टेडफीस्ट लेकर आऊँगा। स्टेडफीस्ट यानी कि क्या कहते हैं, स्टन रेजिस्टेंस का ज्वेल। यार मुझे नहीं लगता इसको बिना स्टन रेजिस्टेंस के मैं ख़त्म कर सकता हूँ। स्किन फिर से हार्ड हो चुकी है, टेम्पोरल मेंटल लगाऊंगा और सॉफ्ट कर दूंगा इसकी स्किन। बहुत सही, तो देख ही सकते हो यार कुछ ज्यादा ही अजीब सा मैचअप है इसके साथ। ट्रू चार्ज फ्लैश था वो, टेम्पोरल मेंटल का असर खत्म। अब मेरे लंका लगने वाले हैं, खैर लगना है तो लगने दो। माइट सीड खा के जाऊंगा और स्टैमिना कम है मेरा तो देखता हूँ कुछ है कि नहीं मेरे पास। कुक मीट मेरे पास, ओके बुरी खबर है यार, कुक मीट भी नहीं है, स्टैमिना भी जल्दी कम हो सकता है। ठीक है, लास्ट हार्ड शेल पाउडर है, थोड़ा डिफेंस बढ़ा के चलता हूँ इस उम्मीद में कि कुछ कर सकूँ। एक चार्ज स्लैश बढ़िया बस। और यार भाई किरीन कमजोर हो गया, कमजोर होते ही मैं टेंडराइज करूंगा इसको, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। फिर ओके 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 शांति से काम लूंगा। यही टाइम मिलते ही मैं जाऊंगा कैंप पे और सबसे पहले तो यार मैं अपने स्टैमिना वाली चीज़ें रिकवर करूँगा, अगर कुछ रेशन वगैरह होगा तो। चेंज इक्विपमेंट नहीं, आइटम बॉक्स मैनेज आइटम्स, कुछ है स्टैमिना के लिए, डैश एक्सट्रैक्ट, डस्ट ऑफ लाइफ, रेशन, नाइस। ओके शुरुआत करते हैं थोड़े रेशन से। और होपफुली मेरा जो मेंटल है वो अभी तक चार्ज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। किरीन सो रहा है क्या? अगर सो रहा हो तो अच्छी बात है, यार वो सो नहीं रहा।
लेकिन अगर कमज़ोर हो चुका है तो चांसेस है कि मैं इसको ख़त्म कर सकूँ। बस फिर से लक वाली बात कर दी ना। कितना भागेगा भाई, ओके ओके नाइस नाइस, जा रहा है वो अपने नेस्ट की तरफ। उसी टाइम पे एक और बार इसको मैं टेंडराइज कर लूंगा। एक और बार हिट, एक आखिरी हिट, उसके बाद वेट करेंगे। अरे यार मेरे को क्या पता था इसका आखिरी हिट होगा। अरे यार तो देख ही सकते हो यार अंजनाथ के ग्रेट शॉट से कितनी जल्दी इसको डैमेज मिला और कितनी जल्दी है मरा। लास्ट टाइम मैं बर्फ वाले ग्रेट शॉट से कोशिश कर रहा था और इससे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल चुका था, लेकिन किरीन तब तक मरा नहीं था। चलो अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अनोइंग मैच था ये। अनोइंग इसलिए था क्योंकि लक ज़्यादा था, स्किल से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बट ठीक है अंत भला तो सब। ज़्यादा कुछ मिले नहीं मेरे को वैसे, बट ठीक है। अगर क्रीम के मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट करना है ना तो ये क्वेस्ट सही क्वेस्ट नहीं है। इसमें यूजुअली किरीन को थोड़ा ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया था। किरीन के मटेरियल करने के लिए और दो तीन क्वेस्ट है जो कि अच्छे रहते हैं। चलो एडमिरल से बात करके देखते हैं। Nice work with Shatterhorn, Fiver. I asked analytics to look into it as soon as I got back. Seems like they're on the cusp of figuring out it. What do you know? Seems like they're calling for us. Which means they just found out where that thing came from. I know you're dying to know more about this Karen, so you're coming along. Let's move. Okay. All right, Teach. We're all here. Tell us what you discovered about Shatterhorn. With pleasure. First, we examined its mane to determine what it fed on and when. Then, we analyzed soil samples taken from its hooves and were able to deduce its place of origin. Our conclusion is that it came from the Guiding Lands. What? How did it get from there to here? It's a good swimmer. It is an Elder Dragon. Traveling great distances is not out of the realm of possibilities. Setting that aside, the question of why this Kirin has lost its horn has a much more startling answer. The damage to its horn wasn't born from a small wound that eventually caused it to splinter. No, no. It was broken in a split second, twisted to an unusual angle by some incredible force. In other words, something snapped. Kirin's horn. Admiral, we know that when incredibly strong monsters invade other habitats, their presence forces weaker species to flee. And the influx of fleeing monsters into a new locale has a drastic effect on the ecosystem. Do you think this might be one of those cases? It's possible. Could have been on the run from something. Fled the Guiding Lands and made its way to the Hoarfrost Reach. There's only one thing left to ask then. What could drive something as powerful as a Kirin out of its natural habitat? Well, guess we're gonna have to look for ourselves.
Boss man, you cool with us heading out? You asking me for permission? As if you'd listen anyway. Just promise me you won't get in over your head. And if you... Ah, don't worry. All right. Time to rock. Set up the quest and get ready to go. Yes, sir. I'll get everything prepared. I'll head out first and scout. Don't keep me waiting. तो यार किरियन का जो टूटा वो हॉर्न था वो खाली में नहीं टूटा था, किसी ने कभी तोड़ दिया था। तो सोच ही सकते हो, स्पेशल असाइनमेंट रिवील थाइसेल्फ डिस्ट्रॉयर। तो डिस्ट्रॉयर जो है वो शायद किरियन का हॉर्न तोड़ने वाला कोई तो भी है। चलो एक दो क्वेस्ट और करते हैं और फिर आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। ढूंढते हैं, देखते हैं किसके पास क्या क्या नए क्वेस्ट वगैरह होंगे। To guide a peen. Okay, to guide a peen. I guess खैर दूसरा कोई चेक करते हैं। इवेंट क्वेस्ट में देख लेता हूँ क्या है। USA Shine In Forever, V3 Kings, ठीक है, मतलब कर सकते हैं लेकिन खैर जाने देते हैं, क्योंकि आज का एपिसोड शायद मैं यहीं ख़त्म करूँगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही था। बाकी नेक्स्ट असाइनमेंट जो है एडमिरल के, वो बाद में चेकआउट करेंगे। तो यार अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मैं तुम्हें मिलता हूँ मॉन्स्टर हंटर के अगले एपिसोड पर।